तो जो आप मूवी देख करके आए हैं जी, कैसी मूवी लगी आपको? भाई मूवी काफ़ी अच्छी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैंने पहले भी देखी टीवी पे एक बार, हालांकि रिलीज होती उस समय देखनी थी, बट टीवी पे मैंने कई बार देखी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों का सिर्फ टाइटल सेम है, बाकी जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है वो एकदम डिफरेंट है। उसमें जो मूवी के अंदर वो दोनों गोविंदा अमिताभ बच्चन एक चीटर होते हैं, ठग होते हैं, लोगों को ठगते हैं, एक कॉमेडी वे है, हालांकि इसमें कॉमेडी है बट उस लेवल की कॉमेडी नहीं है। भाई गोविंदा अपने टाइम पर कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ देशभक्ति है। एक मिशन पर जाते ये लोग, उन्हें मिशन पूरा करना होता है, मिशन क्या है कैसे जो भी है वॉट एवर वो तो खैर आपको मूवी में चलेगा पता। बाकी मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, टोटली देशभक्ति से भरपूर मूवी है और हाईली रिकमेंडेबल मूवी है कि सबको आके देखनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग, चलो आपने बता दिया कि सबको देख के देखनी चाहिए मूवी जी। अच्छा अक्षय कुमार हैं, अपने खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, तो अक्षय कुमार का काम अच्छा रहा इसमें या फिर टाइगर श्रॉफ का? देखो भाई इस मूवी के अंदर ना दोनों को जज करना गलत है, वो दोनों काम काफ़ी अच्छा है यार, ठीक है। टाइगर अच्छा, दोनों एक मिशन पे होते हैं, दोनों की अपने अपने एक मतलब मिशन एक है, अलग मिशन है। मैं आपको बताऊँ मूवी के एंड में एक ट्विस्ट खोलता है, आपने अगर ट्रेलर देखा हो ध्यान से तो आपको चलेगा पता, उसमें ये दोनों आपस में लड़ते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या फिर कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्विस्ट है खुलेगा। बाकी दोनों अच्छे एक्टिंग करी दोनों ने, बाकी अगर इनकी जो सेकुलर मूवी मतलब अलग अलग हैं, जैसे कि टाइगर की गणपत हो गई, बागी हो गई, अक्षय कुमार की जो मूवी है प्रिंस मूवी, दोनों की अलग फ्लॉप मूवी हैं, बट इन दोनों में इस मूवी में जो दोनों की साथ में जोड़ी है ना, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, दोनों काम बहुत बढ़िया है, दोनों ने साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो क्या लगता है आपको ये जो भीड़ आ रही है मूवी देखने के लिए जा रही है, ये भीड़ किस वजह से है? ईद है इस वजह से या मूवी अच्छी है उस वजह से? इसके लिए मैं बोलूँगा ईद है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो मूवी है ना ये रिलीज़ हुई थी 10 तारीख को।